एक्चुअली मैं शिवर कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और बहुत दुख हुआ है, वो एक्चुअली दुबई में है, तो बहुत दुख हुआ है। वो सबसे बहुत ही खूबसूरत एक्टर थी इस फिल्म इंडस्ट्री की, उनका जाना एकदम जाना ये बताता कि लाइफ में लाइफ का कुछ पता नहीं कि अगले पल आपके साथ क्या हो जाए। ताकि फिल्म फेयर अवार्ड जो पेज है बॉलीवुड का, तो उसने मतलब डाला कि उस पोस्ट किया था कि श्रीदेवी इज नॉट नो मोर, तो मैं तो पहले तो चुप रहा, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि लोग अपने पेज पोस्ट पे डाल रहे हैं श्रीदेवी, मतलब उन्हें हाँ वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, तो मैंने गूगल पे चेक किया, मतलब मैं तो लिटरली मैं बहुत मतलब रो पड़ा था सीरियसली। इंडस्ट्री की इतनी फेमस एक्ट्रेस क्या बोलेंगे उनके बारे में, इतना काम किया है उन्होंने और आज बहुत बुरी बात है ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, बहुत दुख की बात है। हम घर बस अभी अपनी होटल से हम आ रहे थे इधर, देख के सुन के बस अभी बंद किया और यहाँ पे निकले, इतना दुखद निधन है। यमुनानगर में मेरे 3 टावर है, अभी मेरे साथ में घर जैसा रिलेशन है बोनी कपूर जी का, इतना दुखद निधन है कि शौक अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि श्रीदेवी जी नहीं रहे। सर हम जब छोटे थे तभी उनकी पहली पिक्चर मैंने देखी थी, मेरे फादर ने मुझे लेके कहा कि थिएटर में दिखाई थी मिस्टर इंडिया, फिर चांदनी देखा, लम्हे देखा, और अभी उनकी लेटेस्ट पिक्चर आई थी इंग्लिश विंग्लिश। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये श्रीदेवी जी नहीं रहे, बहुत दुखद निधन है, बहुत दुखद। फ्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।